नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके वीके में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि लास्ट ईयर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो भी 2020 के या कुछ 2019 के भी है, जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिसका भी एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चंस मतलब ज़रूरी रूप से देखने को मिल रहे हैं हर एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है भारत रत्न। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत होती है 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत होती है। और जो पहला भारत रत्न दिया गया था वो तीन लोगों को दिया गया था। तो देखिए एक तो है सी राजगोपालाचारी, एक सी वी रमन और एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तीन लोग थे जिनको पहला भारत रत्न दिया गया था। बात करते हैं 2019 की, तो ये भी तीन लोगों को मिला है, एक तो भूपेन हजारिका, एक नानाजी देशमुख और एक प्रणब मुखर्जी। तो इन तीन लोगों को मिला है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रणब मुखर्जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनको इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ जो विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है, तो ये दो शख्स थे जो विदेशी रहे और जिनको भारत रत्न दिया गया था। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान इनको, और एक नेल्सन मंडेला। ये दो शख्स हैं जिनको विदेशी होते हुए भारत रत्न दिया गया है। बात करते हैं अगले पुरस्कार की, जो है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको किसको दिया गया है, 2019 की बात करें तो ये दिया था कि ग्रेटा थनबर्ग, ये पर्यावरण प्रेमी है ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। 2019 का इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और 2020 का दिया गया है बाइडेन और कमला हैरिस। बाइडेन आपको पता है जो नए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति, और ये है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि अमेरिका के नव नियुक्त जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, बाइडेन और कमला हैरिस। तो 2020 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। अगला बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2019 की बात करें, तो मिस वर्ल्ड दिया गया टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड दिया गया। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये दिया गया जोजी विनी तुंजी, इनको ये मिस यूनिवर्स दिया गया है। आगे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1991 में होती है। तो पहला दिया गया था विश्वनाथन आनंद, ये चेस से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं 2020 लास्ट ईयर किसको किसको दिया गया है, तो ये पांच लोगों को मिला है। एक तो रोहित शर्मा, ये आपको पता है क्रिकेट से संबंधित है। सेकेंड है मानिका बत्रा, ये आपको पता है टेबल टेनिस से संबंधित है। तीसरा है मरियप्पन थंगावेलू, ये पैरा एथलीट है। चौथा विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंधित है। और पांचवा रानी रामपाल, ये आपको बताना रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, क्योंकि ये अभी लास्ट जो ईयर अभी एग्ज़ाम हुए थे SSC के, इसमें पूछा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर पुरस्कार जो 2020 में हुए हैं ये कौन से नंबर के हुए हैं, ये 92 नंबर के ये ऑस्कर अवार्ड थे 2020 में। अब देखिए इसके अंदर जो बेस्ट फिल्म है इसका अवार्ड किसको मिला है, ये पैरासाइट को मिला है। और ये कहाँ की, एक साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात हम करें तो ये दिया गया जोकिन फिनिक्स, जो कि जोकर से, ये किससे है, जोकर फिल्म के लिए इनको दिया गया है। बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, ये मिला है रेनी जुबलीकर को, ठीक है। तो ये थे अपने ऑस्कर अवार्ड। डगलस स्टूवर्ट को किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये दिया गया है आपका सगी बेन, सगी बेन इनकी पुस्तक है, इसके लिए मैन बुकर अवार्ड डगलस स्टूवर्ट को दिया गया है। अगली जो है अगला पुरस्कार है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये देखिए ये दोनों अलग अलग पुरस्कार है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है मारिके लुकास, ये मारिके लुकास को इनको दिया गया है। और इनकी जो पुस्तक है मारिके लुकास की पुस्तक कौन सी है, द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी पुस्तक का नाम है। अगला बात करते हैं व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान दिया गया है
नासिरा को। और इनको ये पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो कागज़ की नाव इनकी पुस्तक है उसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है, नासिरा को व्यास सम्मान दिया गया है। अगला बात करते हैं क्रिस्टल अवार्ड, तो ये दिया गया आपके दीपिका पादुकोण को। बात करते हैं वॉन कर्मन पुरस्कार, ये दिया गया के सिवान को। ये भी अभी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वॉन कर्मन पुरस्कार ये है के सिवान। अगला बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये आपको पता है इसके सारे अवार्ड गली बॉय मूवी को चले गए हैं, तो गली बॉय मूवी में एक्टर एक्ट्रेस कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे अवार्ड गली बॉय को ही मिले हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस का। बात करते हैं अगले अवार्ड की, तो ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। 2019 की बात करें तो ये दिया गया है रवीश कुमार को। रवीश कुमार को ये 2019 का दिया गया था, और 2020 में ये किसी को भी नहीं मिला है, 2020 में ये किसी को भी नहीं मिला, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये लास्ट दिया गया था 2019 में रवीश कुमार को, पत्रकारिता के लिए ये दिया जाता है। अगले पुरस्कार की हम बात करते हैं वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ये किसको दिया गया है, रानी रामपाल को, ठीक है, रानी रामपाल। ये अभी राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको मिला था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। अगली अगले पुरस्कार की हम बात करते हैं, तो यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देखिए जो फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हेल्लारो को। हेल्लारो ये गुजराती मूवी है, इसको फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दो लोगों को दिया गया है, एक तो विक्की कौशल, विक्की कौशल इनको उरी मूवी के लिए ये मिला है, दूसरे हैं आयुष्मान खुराना, इनको दिया है अंधाधुंध मूवी के लिए। बात करें एक्ट्रेस की, तो ये मिला है कीर्ति सुरेश को, ठीक है, कीर्ति सुरेश कहाँ की है, ये है कहाँ की, तेलुगु की। बात करते हैं अगले पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये तो आपको पता है अमिताभ बच्चन को ये दिया गया है। अगला पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, ये मिला है रणजीत सिंह, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आपको पता होगा इनको अभी ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है। इनको ये किसके लिए दिया गया है, इन्होंने जो क्यूआर कोड होता है एनसीईआरटी की बुक्स में क्यूआर कोड लाने का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं का था, इसके लिए इनको ये ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है। बात करें अगले पुरस्कार की, टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको मिला है, ये गीतांजलि राव, गीतांजलि राव को ये अवार्ड दिया गया है। बात करें गुलबेकियन अवार्ड, तो ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को, ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन अवार्ड मिला है। ग्रेटा थनबर्ग आपको पता होगा पर्यावरण प्रेमी के रूप में जानी जाती है, ग्रेटा थनबर्ग। बात करते हैं अगले अवार्ड की, तो यह पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है किसको, जॉन एब्रहम को, जॉन एब्रहम को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अगला अवार्ड हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड ये किसको मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो जो रानी रामपाल है वो किस खेल से संबंधित है, और एक हीरो टू एनिमल अवार्ड किसने जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, इसका आंसर आपको बताना है। ये इसका हिंट मैं दे दूँ, ये एक राज्य के CM है उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो किसको मिला ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला अवार्ड चेंज मेकर अवार्ड, ये मिला है पायल जांगिड़ को, ये कहाँ की है, अलवर की है, रहने वाली है पायल जांगिड़, इनको चेंज मेकर अवार्ड मिला है। अगला बात करते हैं एवल पुरस्कार, एवल पुरस्कार देखिए ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एवल पुरस्कार का संबंध किस फील्ड से है, तो ये मैथ से संबंधित, एवल पुरस्कार का संबंध है मैथ, मैथ से संबंधित है ये एवल पुरस्कार। ये किसको मिला है, मार्बुलिस और फ्रस्टेनबर्ग, ये दो लोगों को मिला है, मार्बुलिस और फ्रस्टेनबर्ग, मैथ से संबंधित है एवल पुरस्कार। अगला देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये किसको मिला है, 2019 का डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो को ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। अगले पुरस्कार की बात करते हैं नोबेल पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पुरस्कार है, आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है और विशेष रूप से इसको पढ़ के जाना है, यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाना है। इसकी शुरुआत कब होती है, ये होती है 1901 यानी 1901 में इसकी शुरुआत होती है, 1901 में, और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखिए ये दिया जाता है साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र और शांति, इन इन फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, छह फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज़, ठीक है।
साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार दिया है लुइस ग्लुक को। ठीक है, तो इनको देखिए ये नाम कुछ अजीब से लगेंगे आपको क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, तो इनको मैं एक आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप ट्रिक से भी उसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको याद है तो सबसे बढ़िया है। तो देखिए साहित्य का लुइस ग्लुक को मिला, इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, शाही लुक। कौन सा लुक? शाही लुक, शाही लुक, यानी कि शाही से बन गया साहित्य और लुक से बन गया ग्लुक, लुइस ग्लुक। तो शाही लुक, लुक कैसा है? शाही है। तो ये आप याद करने का तरीका है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साहित्य का मिला है लुइस ग्लुक, शाही लुक। आगे बात करते हैं शांति का। तो शांति का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको दिया गया है, ये एक संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन्होंने कोरोना COVID-19 के जो काल है इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, इसलिए इसका शांति का पुरस्कार 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बात करते हैं रसायन का। तो रसायन का देखिए किस किस को मिला है, जेनिफर डुडना और इमैनुअल कारपेंटियर, इन दो को ये रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे याद करें, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए कार का उड़ना, कार का हवा में उड़ना, ठीक है, ये क्या है? मिस्ट्री है। कार का उड़ना एक मिस्ट्री है, कार का हवा में उड़ना एक मिस्ट्री है। तो कार से बन गया कारपेंटियर, उड़ना से बन गया डूडना, और मिस्ट्री से बन गया केमिस्ट्री। तो कार का हवा में उड़ना एक मिस्ट्री है, तो कारपेंटियर, डूडना और ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इसका दिया गया है रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रॉम, ठीक है। इसको कैसे याद करें, देखिए अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? पैसों से, ठीक है, पैसों से होता है ना, तो पैसों से होता है यानी कि जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड इसको अपन ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए रॉबर्ट को मिलीग्राम के भाव नीलाम कर दिया, ठीक है, रॉबर्ट को मिलीग्राम के भाव नीलाम कर दिया। तो इससे हो गया, देखो रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट, मिलीग्राम से हो गया मिलग्राम, और नीलाम से बन गया नीलामी सिद्धांत। ये नीलामी सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है, इनको जो है ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ नीलामी के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है। तो ये हो गया अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। अगली बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ये तीन लोगों को दिया गया है, माइकल हाफ्टन, ठीक है, माइकल हाफ्टन, चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे अल्टर, ये तीन लोगों को दिया गया है। इनको कैसे याद करें, देखिए ये थोड़ी सी फनी ट्रिक है आपके लिए। देखिए राइस हो गया चावल, ठीक है, राइस राइस खाया, ठीक है, राइस खाया, अल्सर हो गया, अल्टर से हो गया अल्सर, राइस खाया, अल्सर हुआ और हगडन हो गया, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप देखोगे तो ये आपको हगडन पढ़ने में आएगा, HOUGH TON, हगडन। तो इन ये कुछ हगटन करके आपको पढ़ने में आएगा, तो ये हो गया हगटन, राइस अल्सर हगटन, राइस खाया अल्सर हुआ हगटन हो गया, और इससे आपका क्या होगा, लीवर ख़राब हो गया, इससे आपका हो गया लीवर ख़राब, क्या हो गया, लीवर ख़राब हो गया। तो लीवर से हो गया हेपेटाइटिस। तो इनको किस संबंध में दिया गया है, हेपेटाइटिस से संबंधित, ये मेडिसिन का पुरस्कार मान लो, चिकित्सा का पुरस्कार मान लो, मेडिसिन का पुरस्कार भी बोलते हैं इसको। तो ये जो मेडिसिन का या चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है लीवर हेपेटाइटिस के लिए इन तीन लोगों को लिए, राइस अल्सर हगटन, राइस अल्सर हगटन। तो ये थे आपके पांच हो गए। छठा बात करते हैं भौतिकी, भौतिकी यानी फिजिक्स का किसको दिया है, एंड्रिया एम गेज, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल, ये तीन लोग जो है इनको भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इसको कैसे याद करें, देखिए यहाँ से एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए रिया, रोज, जेल जाती है, रिया रोज जेल जाती है, और ये क्या है, कलंक है भाई साहब, क्या है, कलंक, ये क्या है, कलंक है भाई साहब। तो रिया से बन गया एंड्रिया, रोज से बन गया रोजर पेनरोज, रोज से पेनरोज, और जेल से बन गया जेन जेल, और कलंक से बन गया ब्लैक होल सिद्धांत। तो ये किसके लिए दिया गया है, ब्लैक होल सिद्धांत के लिए दिया गया है इन तीनों को, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल सिद्धांत के लिए दिया गया है,
रिया रोज जेल जाती है, तो एंड्रिया रोज, रोजर पेनरोज, जेल से जेंजेल, तो एंड्रिया पेनरोज जेंजेल, रिया रोज जेल जाती है। और किसके लिए मिला है? ब्लैक होल, ये कलंक है, तो ब्लैक होल के लिए ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे आपके 2020 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप इनका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप ये भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे अवार्ड याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।